सेकेंड हैंड आईफोन्स को परचेज करने के रिगार्डिंग मुझे काफी सारे डाउट्स आते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं किस तरीके से आईफोन्स को चेक करें। भले ही आप आईफोन को किसी भी जगह से बाय करते हो, बट आपको चेक करना जरूर आना चाहिए आईफोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो मैं अब तक काफी सारे सेकेंड हैंड आईफोन्स को परचेज कर चुका हूँ। इनफैक्ट आप देख सकते हैं आईफोन 10, आईफोन 10R, 11, 12 सारे मैंने सेकेंड हैंड आईफोन परचेज करे थे, तो मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है सेकेंड हैंड आईफोन्स को बाय करने का। एंड कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है दैट ओलेक्स के थ्रू किसी आईफोन को परचेज करने के लिए गया हूँ, वहाँ पे चेक करने के बाद आईफोन में प्रॉब्लम्स निकलती हैं, उनको मैंने बाय नहीं करा है, उन एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आई गारंटी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी सेकंड हैंड आईफोन को लेने जाओगे, आपके साथ फ्रॉड हो ही नहीं सकता। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस पसंद है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो वैसे तो फोन में चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से बताता हूँ डिटेल में किस तरीके से आपको आईफोन को चेक करना है। तो सबसे पहले आपको फिजिकल कंडीशन देखनी है, फिजिकल कंडीशन को अच्छी तरीके से चेक करना है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ईजी होता है चेक करना। आपको फिजिकली देख के पता चल जाएगा फोन में कितने स्क्रैचेस हैं। आपको फ्रेम को अच्छे तरीके से चेक करना है साइड से, कॉर्नर से। इसी के साथ आपको ईयरपीस एंड स्पीकर्स में डस्ट देखना है। कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा डस्ट होता है जिसकी वजह से आउटपुट में फर्क पड़ता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। वहीं एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्रंट ग्लास में स्क्रैचेस, क्योंकि आप जब भी यूज्ड आईफोन को बाय करने के लिए जाओगे ज्यादातर केस में आपको टेम्पर्ड लगा हुआ मिलेगा। एंड कई बार ऐसा होता है सामने वाला पर्सन आपको बताता नहीं है, बट टेम्पर्ड ग्लास के नीचे जो ओरिजिनल ग्लास होता है उसमें स्क्रैचेस होते हैं। एंड इसी के साथ आपको एक और चीज को जरूर चेक करना है, वो है फ्रेम एंड जो हमारा फ्रंट ग्लास होता है उसमें कोई गैप तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फोन खुला हुआ होता है, लोकल शॉप से रिपेयरिंग करवा लेते हैं, उसके बाद फिटिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है, तो इसे चेक करने के बाद हमें पता चल जाएगा फोन खुला हुआ है या फिर नहीं, या फिर कोई रिपेयरिंग हुई भी है तो कंपनी से हुई होगी जिसके बाद अभी भी अच्छी फिटिंग है। वहीं आपको कैमरा एंड लाइटिंग पोर्ट में भी डस्ट देखना है, कई बार बहुत ज्यादा डस्ट होता है, स्पेशली कैमरा में डस्ट होता है जिसकी वजह से कैमरा की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इन सारी चीजों को चेक करना बहुत ज्यादा ईजी, आपको देख के पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले की, जो कि काफी ज्यादा केसेस में चेंज होती है स्पेशली पुराने आईफोन्स की। तो डिस्प्ले को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा उसका टच रिस्पांस, क्योंकि फेक डिस्प्ले का टच रिस्पांस कभी भी आईफोन का जो ओरिजिनल डिस्प्ले होता है उसके जैसा नहीं होता है। तो आपको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, फॉर एग्जाम्पल सेटिंग्स, एंड आपको डिस्प्ले पे फिंगर रख के उसको स्क्रॉल करना है, तो आपके फिंगर के साथ ही डिस्प्ले स्क्रॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जगह पे टच छूट रहा है या फिर स्क्रॉल करने पे लैग्स वगैरह आ रहे हैं, जिटर्स आ रहे हैं। स्क्रॉलिंग बिल्कुल स्मूथली होनी चाहिए, एंड ये चीज आईफोन 6s से लेके आईफोन 13 तक अभी भी सेम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पुराने आईफोन में, ऐसा नहीं होगा। उसी के बाद आपको मोबाइल में व्हाइट बैकग्राउंड को ओपन करना है, फॉर एग्जांपल सेटिंग या फिर कोई व्हाइट वॉलपेपर, एंड आपको पूरी डिस्प्ले पे अच्छी तरीके से चेक करना है, ऐसा तो नहीं कि कोई स्पॉट है, क्योंकि आज से लगभग एक साल पहले ओएलएक्स के थ्रू मैं एक S20 Plus को बाय करने गया था। 3 महीने पुराना फोन था, बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन था, इवन बैक में जो कंपनी की प्लास्टिक लगी आती है वो भी नहीं उतरी थी, बट मैंने जब फोन का डार्क मोड हटाया था, सेटिंग्स ओपन करी, तो वहाँ पे एक व्हाइट स्पॉट था डिस्प्ले के अंदर। वहीं आपको आईफोन 8 में उसके बाद के सभी आईफोन्स में ट्रू टोन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पता करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर फेक है, क्योंकि फेक डिस्प्ले में ट्रू टोन कभी भी काम नहीं करता है। इनफैक्ट फेक डिस्प्ले में 3D टच काम करता है, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, जिसमें आपको बताया था फेक एंड ओरिजिनल डिस्प्ले को किस तरीके से चेक करें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसी के साथ आपको डिस्प्ले का टच चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन को इस तरीके से मूव करना है पूरी डिस्प्ले पे, बहुत तेजी से मूव करना है, टच यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। अगर टच मिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है टच प्रॉपर्ली काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कैमरा की, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कैमरा रिप्लेस्ड होता है, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फेक कैमरा क्वालिटी को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाएगा, आपको देख के पता चल जाएगा एक फेक लेंस है। स्टिल आपको सबसे पहले कैमरा लेंस पे डस्ट को चेक करना है, एंड डस्ट अगर ना भी हो उसके बाद भी आपको दो सिचुएशंस में फोटोज को कैप्चर करना है सारे लेंसेज से, ब्राइट एंड डार्क सिचुएशन में। आप स्काई का फोटो भी कैप्चर कर सकते हो सारे लेंसेज से, उसी के साथ एक डार्क पिक्चर। अगर कैमरा लेंस में कोई भी इशू होगा तो आपको इन दोनों फोटोज में इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा तो डार्क फोटो में इजीली दिख जाएगा, या फिर अगर लेंस में कोई भी इशू है, कोई भी स्पॉट वगैरह है, तो ब्राइट फोटो में इजीली विजिबल हो जाएगा। उसी के साथ आईफोन 7 एंड उसके बाद के सभी आईफोन्स में
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो आपको कैमरा को ओपन करने के बाद मैक्सिमम जूम करना है, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी को चेक करना है, क्योंकि फेक लेंस कभी भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती है मैक्सिमम जूम करने के बाद भी। सो आप इस तरीके से कैमरा लेंस को चेक कर सकते हो। उसी के साथ आपको फ्लैश लाइट को चेक करना है, अलग अलग इंटेंसिटी पे अच्छी तरीके से काम करनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी तरीके से चेक करना। तो आपको सबसे पहले IMEI नंबर चेक करना है, फोन में बॉक्स में सेम IMEI नंबर होना चाहिए। उसी के बाद आपको checkcoverage.apple.com वेबसाइट पे उस फोन का सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद वहाँ पे मेंशन हो जाएगा वैलिड परचेज डेट, मतलब कि ये फोन खरीदा गया था, इस फोन की वैलिड परचेज हुई थी। वहीं आपको सेटिंग्स में जाके मॉडल नंबर को भी चेक करना है, पता करने के लिए किस टाइप का आईफोन है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस आईफोन 10 का मॉडल नंबर N से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये एक रिप्लेसमेंट यूनिट थी, एप्पल के थ्रू स्वैप हुई थी। एंड इसको भी मैंने सेकेंड हैंड बाय करा था, एंड इसके पेपर वर्क भी मेरे पास हैं कहां से रिप्लेस करा गया था, मतलब कि ऑफिशियली एप्पल के थ्रू ही स्वैप हुआ था। वहीं आपको कंट्री भी चेक करनी है किस कंट्री का फोन है। अब अगर पर्सन फ्रेंकली सारी चीजों को ओपनली बता देता है तो काफी ज्यादा अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है। बट स्टिल अगर कोई पर्सन अच्छी तरीके से चीजों को डिस्क्लोज नहीं करता है, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा उस पर्सन से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि इस तरह के सेलर कुछ ठीक नहीं होते हैं, ज्यादातर केसेस में फ्रॉड करते हैं। बट स्टिल सारी चीजों को चेक करना हमें आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आपको मैं सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ। वहीं आपको सिम ट्रे पे भी IMEI नंबर देखने को मिलता है, आपको चेक करना है। अब इन सारी चीजों के बाद हम बात करते हैं फंक्शनिंग की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शनिंग को किस तरीके से चेक करें, फोन कैसे काम कर रहा है, तो सबसे पहले आपको फोन में सिम डाल के चेक करना है नेटवर्क्स प्रॉपरली आने चाहिए। एंड कॉलिंग करके आपको ईयरपीस की क्वालिटी जरूर चेक करनी है, किसी भी तरह की क्रैकलिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कॉल करते टाइम फटी हुई आवाज आ रही है, क्योंकि किसी भी आईफोन में ऐसी आवाज नहीं होती है। एंड वहीं आपको अपने किसी फ्रेंड को या फिर फैमिली मेंबर को कॉल करके माइक क्वालिटी का जरूर पूछना है, माइक क्वालिटी किस तरह की आ रही है, या फिर आप माइक क्वालिटी को चेक कर सकते हो वॉइस रिकॉर्डर में अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके, क्योंकि स्पेशली आईफोन्स की जो माइक क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो आपको आवाज को रिकॉर्ड करते ही पता चल जाएगा आवाज किस तरह की आ रही है, आवाज एकदम रियलिस्टिक आनी चाहिए। वहीं आपको कॉलिंग के टाइम पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर को भी चेक करना है, जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस है, एक्यूरेटली काम करना चाहिए। सभी बटन्स को प्रेस करके अच्छे तरीके से चेक करें, बटन्स क्लिक ही होने चाहिए। अगर कोई बटन क्लिक ही नहीं है, मतलब कि अच्छे तरीके से प्रेस नहीं हो रहा, थोड़ा दबा हुआ है, इसका मतलब यह कि फोन ओपन है। उसके बाद फोन की फिटिंग अच्छी तरीके से नहीं करी गई है, या फिर बटन रिप्लेस्ड है। अब आईफोन 7 में उसके बाद के सभी आईफोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो स्पीकर्स को जरूर चेक करें, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बारी ऐसा देखा है, आईफोन्स को मैं चेक करने जाता हूँ, ज्यादातर बारी ऐसा होता है कि स्पीकर्स में कुछ इशू होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है दैट लोग फोन को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो स्पीकर को चेक करने के लिए आपको एक चीज जरूर करनी है, कोई भी सॉन्ग या फिर सेटिंग्स में जाकर रिंगटोन को प्ले करें, उसके बाद एक स्पीकर पे हाथ रख के जरूर देखें, आवाज प्रॉपर आनी चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक स्पीकर पे हाथ रखने के बाद दूसरे स्पीकर की आवाज बहुत ही ज्यादा कम हो। वही कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छी तरीके से चेक करें, फॉर एग्जाम्पल टच ID, फेस ID, ये सारी चीजें एक्यूरेटली एक बार में अच्छे तरीके से काम करनी चाहिए। फोन को कम से कम 8 से 10 बारी अनलॉक करके देखें अलग अलग एंगल से, कोई डिले ना हो, अच्छे तरीके से फेस आईडी काम करे, टच आईडी काम करे। एंड गाइस इसके बाद तीन चीजें और जरूर चेक करें, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड वाइब्रेशन, क्योंकि एक बारी में आईफोन 10s को बाय करने गया था, उसकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा कम थी, मतलब कि जो आईफोन्स में वाइब्रेशन होती है, हैप्टिक फीडबैक होता है, उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम थी। तो कैसे आप देख सकते हैं, इसका मतलब यह कि उस आईफोन में ओरिजिनल टैप्टिक इंजन नहीं था, तो आईफोन की वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं iCloud एंड अकाउंट की, ये भी चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप आईफोन को परचेज करने जा रहे होगे, दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो पर्सन पहले से फोन को रीसेट करके लाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, इससे हमें पता चल जाएगा दैट वो पर्सन अपने अकाउंट को अच्छी तरीके से रिमूव कर पाया इस आईफोन में से। तो जो आईफोन आप परचेज करने जा रहे हो, उस आईफोन में उस पर्सन का iCloud अकाउंट एंड फाइंड माई नहीं होना चाहिए, तो अपने सामने इन चीजों को टर्न ऑफ करवाएं। एंड टर्न ऑफ करने के बाद अपनी एप्पल आईडी को भी डाल के जरूर चेक करें, प्रॉपरली काम करनी चाहिए। एंड फोन को रीसेट करने के बाद ही खरीदें, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें बैटरी की, तो ऑब्वियसली अगर आप इतने पुराने आईफोन को परचेज करोगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस उसमें बैटरी रिप्लेस्ड होंगी। एंड अगर आपको आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन 10 की बैटरी मिलती है 100%, तो ऑब्वियसली उन आईफोन्स की बैटरी रिप्लेस्ड होगी। बट सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बैटरी की अलग अलग क्वालिटी आती है अलग अलग प्राइस पे, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता कि इस फोन में बैटरी किस क्वालिटी की है, कितना बैकअप देगी, इसकी लाइफ स्पैन कितना है। एंड ऑब्वियसली ज्यादातर लोग थर्ड पार्टी बैटरीज को डलवाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल बैटरी बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि उसने बैटरी को ऑफिशियली एप्पल से रिप्लेस करवाया है,
तो उसके पेपर वर्क्स बनते हैं उनको जरूर चेक करें, उससे पेपर वर्क्स मांगें कि कहाँ पे इसका रिकॉर्ड है। एंड मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि 90% बैटरी हेल्थ से नीचे किसी आईफोन को बाय करें। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डील मिल रही है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस, आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है, तो एट लास्ट मैक्सिमम हो सकता है 85%, बट स्टिल 85 से भी ज़्यादा हो, 87-88 हो, एंड सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 90% से ऊपर हो, बेस्ट है। अब जिस टाइम पे आप आईफोन को यूज कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको नोटिस करना है बैटरी में कितना ड्रेन हो रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा ये आईफोन कितना बैटरी बैकअप दे पाएगा। वही बैटरी को क्वालिटी को चेक करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है, आपको कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद आपको बर्स्ट मोड में फोटोज को कैप्चर करना है, कम से कम 500 फोटोज। एंड इतने सारे फोटोज को कैप्चर करने के बाद बैटरी में केवल 1-2% का ड्रेन आना चाहिए, मतलब कि ये भी मैक्सिमम है, कई बार तो ओरिजिनल बैटरी में 1% का भी ड्रेन नहीं आता है। तो अगर इतना ड्रेन आता है तो इसका मतलब ये कि बैटरी प्रॉपर्ली काम कर रही है, बट अगर 5-6% या फिर उससे ज्यादा ड्रेन आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको उस आईफोन को बाय नहीं करना चाहिए। एंड अगर 100% बैटरी शो भी कर रहा है उसके बाद भी बैटरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसे आईफोन से दूर रहें। वहीं आपको और भी छोटी मोटी चीजों को चेक जरूर करना है जो कि काफी ज्यादा कॉमन होती है, फॉर एग्जाम्पल चार्जिंग पोर्ट ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, एक बारी में चार्ज होना चाहिए, 3-4 बारी चेक करें। अगर फोन में 3.5 mm जैक है उसको चेक करें, उसका आउटपुट प्रॉपर्ली आना चाहिए, लोकेशन सर्विसेज को चेक करें, GPS प्रॉपर्ली काम करना चाहिए। अब इन सारी चीजों को सुनने के बाद आई नो काफी सारे लोगों को लग रहा होगा इतनी सारी चीजों को चेक करना है काफी ज्यादा परेशानी की बात है, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली करोगे मुश्किल से 5-10 मिनट में आप अपने आईफोन को इजीली चेक कर लोगे, इन्हें गारंटी। अगर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से चेक करोगे उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ फ्रॉड हो, फोन में कोई भी इशू हो। वहीं फ्रॉड से बचने के लिए कुछ और चीजों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको कोई एडवांस पेमेंट करने के लिए बोलता है तो बिल्कुल भी पेमेंट ना करें गलती से भी, क्योंकि जेन्युइन सेलर कभी भी इस तरह की डिमांड नहीं करता है। मुझे अभी भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, काफी सारे लोग 5-10 हज़ार रुपए की एडवांस पेमेंट कर देते हैं बड़े आईफोन्स के नाम पे। उसी के साथ अगर आपको कोई आईफोन बहुत ज्यादा कम रेट में दे रहा है, मतलब कि रेगुलर प्राइस से बहुत ज्यादा कम प्राइस में, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे भी फ्रॉड होगा। एंड ट्राई करें कि फोन का बिल एंड बॉक्स जरूर हो, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पता चल जाएगा फोन ऑथेंटिक है। अब गाइस ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक्सपीरियंस करके धीरे धीरे आती हैं, मतलब कि जो पहली बार यूज्ड आईफोन को परचेज करने जाएगा हो सकता है उसको थोड़ा अनोइंग लगे, उसको परेशानी हो इन सारी चीजों को करने में, बट काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि काफी सालों से ये चीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओलेक्स यूज करते हुए उस पर डील करते हुए मुझे लगभग 11-12 साल हो चुके हैं, उसके बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस आया है। सो गाइस आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे आई गारंटी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।